हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और मैं आपको 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा और मेरा दावा है क्वेश्चन आपके इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो और ये सारे सोल्यूशन मैं विथ सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊँगा, सोल्यूशन करके बताऊँगा, ठीक है। सो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि 5 + 3√2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। सो आपको पता है 5 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय में जब भी आप अपरिमेय जोड़ोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय ही आएगा। सो पहले का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या एन इरेशनल नंबर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन अभाज्य हैं, 28, 69, 71 या फिर 63। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, कट जाती है। 28 दो से कटता है, 69 किससे कटता है, 3 से कटता है, 63 भी 3 से कटता है, लेकिन ये जो 71 है वो किसी से भी नहीं कटता। सो जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, 71 है। क्या हमारे पास प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या नहीं है ये हमें बोल रहा है। सो देखो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, 25 का √ कितना होता है, 5, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सत्य, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। नंबर चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखो शांत का दशमलव प्रसार होता है ना, तो किसी के बट्टे में अगर सिर्फ 2 हो या 5 के गुणनफल के रूप में आता है, 2 की पावर n के रूप में अगर आता है, या सिर्फ ये हो या सिर्फ ये हो या दोनों, तभी शांत होता है, ठीक है। तो कौन सा शांत है हमें ये बोलना है। सो 35 + 7 = 35, ये 5 × 7 है, डी ऑप्शन नहीं होगा। 60 = 12 × 5 = 60, और 12 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 12 को, देखो 60 को हम लिख सकते हैं 12 × 5 = 60, और 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 2, ये तो इसमें 3 भी आ गया है, और ये 2 × 5 के रूप में भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 17/17, ये तो 60 होगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है। 2 लगातार, सपोज करो एक संख्या हमारे पास 2x है, तो दूसरी क्या मान लेते हैं, 2 लगातार बोला है, तो 2x + 1 हो जाएगा। अब इसका दोनों में देखो कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 है। सो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम जो समावर्तक होगा वो कितना होगा, 2 होगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ए के प्लेस पे क्वेश्चन में कितना है, देखो ठीक है, ए के प्लेस पे यहाँ पर 1 है, बी के प्लेस पे हमारे पास 1 है, और सी के प्लेस पे हमारे पास -2 है, ठीक है। ये याद रहे, हमें 1/α + 1/β निकालना है। अगर इसको आप ढंग से सॉल्व करो तो नीचे क्या जाएगा, α × β, और ऊपर आ जाएगा α + β। देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, यानी कि देखो 1 बी की जगह पर 1 है और ए की जगह पर 1, यानी कि ऊपर तो आ गया -1, ठीक है। और α × β क्या होता है, c/a -2, तो -से -2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक। सो आंसर आ जाएगा 1/2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an + b है तो इसका पदांतर है, पदांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है। nवां पद हमें क्या दे रखा है, an + b दे रखा है, कॉमन डिफरेंस d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से आप a2 - a1 कर दो, ठीक है ना।
सो ए वन कैसे निकलेगा जब एन के जगह पर हम एक रखेंगे। तो अगर देखो ए वन निकालना है ना, तो इस एन के जगह पर आप क्या रखो, एक। तो ए गुणा वन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ए वन हमारा ए प्लस बी आया। अब ए टू निकालना है तो एन की जगह पर दो रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ रखेंगे ये आ जाएगा टू बी प्लस बी। अब इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। तो जब घटाओगे इन दोनों को, बी से बी कटेगा, टू ए में से ए कटेगा, तो क्या आ जाएगा ए। सो आंसर आ जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, बहुत ही ईजी प्रश्न है, कई बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट शायद आता भी नहीं होगा। हमसे बोल रहे हैं बिंदु छः कॉमा माइनस पाँच का भुज है, एफसी का अंग्रेजी में बोलते हैं। एफसी का जो होता है वो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एफसी का, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। सो एफसी का जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर छः लिखा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, छः। बिंदु छः कॉमा माइनस पाँच का जो एफसी का है वो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। नवा प्रश्न है, कह रहे बिंदु दो कॉमा तीन कहाँ स्थित है। आपको पता होगा इधर x प्लस में होता है, इधर x माइनस में होता है, इधर y प्लस में होता है, ये y माइनस में होता है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। अब ये जो दोनों दे रखे प्लस, x दो प्लस में जाएगा, y ऊपर प्लस में है, सो किस में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। कह रहे हैं यदि x इक्वल टू ए हो और y इक्वल टू बी हो, और x माइनस वाई हमारे पास दो है, x प्लस वाई हमारे पास चार है, तो a और b के क्रमशः क्या मान है, ठीक है। a और b के क्रमशः मान क्या है, एक्चुअली आपसे a और b के मान, x और y के मान जो आएंगे ना, वही a और b के मान होंगे। सो सिंपल है, इसको सरल करना है। हमारे पास x माइनस वाई दे रखा है दो, और x प्लस वाई दे रखा है हमारे पास चार, जोड़ दो कट जाएगा, 2x बराबर क्या जाएगा, 6, यानी कि x का मान कितना जाएगा, 3, ठीक है। तो पहला x का बराबर यानी कि a का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई बराबर 2 था, तो हमें निकालना y का मान, इधर हो जाएगा माइनस वाई, इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब x का मान आया 3 में से 2 कटाएंगे, तो y का मान क्या जाएगा, 1, तो 3 कॉमा 1 सही आंसर होगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी, 3.1। ग्यारहवा प्रश्न क्या है, द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर के मूलों की प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है, डी, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, ठीक है, ये निकालना होता है। देखो यहाँ पर निकालना है हमें बी, बी कितना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, दो, तो दो का वर्ग, फोर ए कितना है, वन, एक्स का स्क्वायर का गुणांक, सी कितना है, चार, यहाँ पर सी कितना है, चार, ठीक है। ए हमारा वन था, बी हमारा टू था, सी हमारा चार था। सो चार माइनस सोलह तो क्या आ जाएगा, माइनस के बारह, ऋणात्मक आया, ऋणात्मक के लिए क्या होता है, वास्तविक तो होता ही नहीं है, तो आंसर क्या आता है, अवास्तविक आ जाएगा, यानी कि वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, और तीसरा है अवास्तविक, तो यहाँ आ जाएगा अवास्तविक, ये आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, नॉट रियल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। देखो ये सीरीज 50 क्वेश्चन आज करेंगे, कल और 50 आएंगे, परसों और 50 आएंगे, नरसों और 50 आएंगे, 200 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, और एग्जाम में इन्हीं में से ही आएगा, गारंटी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बिंदु 4.-1 और 2.3 के बीच की दूरी क्या है। देखो ये हमारा एक्स वन है, ये वाई वन है, ये x2 है और ये y2 है, है ना। एंड फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 की जगह आप 4 रख दोगे और x2 की जगह पे 2 रख दोगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। y1 की जगह माइनस के एक रखोगे और y2 की जगह पे 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक, माइनस तीन, माइनस चार का स्क्वायर, यानी कि चार का स्क्वायर, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, देखो दो का वर्ग आ जाएगा चार, चार का वर्ग आ जाएगा सोलह, तो कितना जाएगा, बीस, अंडर रूट का बीस आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट बीस को हम कैसे लिखते हैं, चार गुणा पाँच, चार का क्या होता है, बारह के दो, और अंदर आ जाएगा पाँच। सो आंसर क्या होगा, दो अंडर रूट पाँच, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, कह रहे बिंदु को 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से 0,2 की दूरी है। मध्य बिंदु से मिलाने की दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है, मध्य बिंदु से दूरी कितनी है। सो आपके पास बिंदु वो दे रखा है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर 4,10 है और इधर हमारे पास बिंदु 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से इनकी मध्य बिंदु से, ठीक है, इनके मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, आपको पता है मैं एक्स मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 यानी कि 4 + 2/2। ये एक्स निर्देशांक देगा और वाई निर्देशांक क्या होगा, y1 + y2 यानी कि 10 + 2/2। इधर से क्या जाएगा, 6/2 यानी कि 3 और इधर से आएगा 12/2 यानी कि 6, ठीक है। 3,6 आया बिंदु, आपको क्या निकालना है, 3,6 और 0,2 के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है बीच की। फिर से वही सूत्र, अंडर रूट के अंदर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, उसी फॉर्मूले में रख दोगे, कौन से में, यही वाला x1 - x2 का स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में रख दोगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, रख के सरल कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं सरल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, कुछ ही दिन में मैं अपना कुछ आपको प्रॉपर वे में समझाने लगूँगा, डोंट वरी। और आपको मेरे मेन चैनल पे आपको सारा सोल्यूशन NCERT का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतने इतने हैं तो इनके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। देखो त्रिभुज बोला है, इसके केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। सो एक्स बराबर अगर निकालना है फॉर्मूला तो क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 और y1 = y1 + y2/y3/3, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,0,4/3, तो 4 × 2 = 6, 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा, x का मान कितना आया, 2। अब y निकालना है, y के लिए y1 + y2/3, 4 × 10 में से गया 9, 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया, पहले हमारा कितना आया था, 2, अब कितना आया, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी 2,3, ठीक है। बहुत ही सरल था क्वेश्चन, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, कह रहे हैं यदि बिंदु 1,2, 0,20 संग्रेख हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो अगर संग्रेख है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना उस वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा आपको, है ना, यहाँ पर x1, यहाँ पर क्या है, तो y2 - y3 + x2, ये सब जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले में आपको सारे मान रख देने, x1 कितना है 1, x2 है 2, सॉरी x1 है 1, y1 है 2, x2 है 0, y2 है 0, x3 है a, y3 है b, बस फॉर्मूले में ये सारा रख दो त्रिभुज के, क्योंकि संग्रेख है ना तो संग्रेख के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, उस फॉर्मूले रख के हल कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक, ये कर लेना आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कह रहे दो समकोणी त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह किसका कथन है। द रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज सेम, ये किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था, थेल्स ने कहा था, या फिर यूक्लिड ने कहा था। तो देखो किसने कहा था, थेल्स ने, सो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के कर्ण के बराबर होता है, तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है, कौन सा होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग, इसका योग प्लस इसका इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर कितना अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, सो आप भी टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा एकदम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ आपस में समरूप हैं। यहाँ देखो ये बोला समरूप हैं, बीसी 3 है, ईएफ 4 है, एबीसी का क्षेत्रफल 54 है, तो डीएफ का क्या होगा? तो ये प्रमेय 6.8 लगेगा। यहाँ पर क्या होता प्रमेय कि इसका क्षेत्रफल बट्टे इसका क्षेत्रफल, यानी कि एरिया एबीसी बट्टे एरिया डी ई एफ किसके इक्वल होता है? भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। भुजा का अनुपात क्या है देखो, बी सी हमारे पास बी सी बट्टा क्या हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो ए बी सी तो हमें दे रखा 54, ठीक है, और डी ई एफ हमें निकालना है, ये नीचे डी एफ हमें निकालना है। इधर क्या है हमारे पास, इधर है 3, इधर है 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। बस अब हल करना है आपको, यहाँ तो 54 है, देखो इधर 9 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो इसको x मान लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर देना और x का जो मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो 9 1 9, 9 6 54 और 6 6 24, तो x का मान कितना जाएगा 24। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। 3 3 9 चाचो, हाँ यहाँ पे 16 है, गड़बड़ हो गया था ना, तो 16 6 क्या हो जाएगा 96। सो आंसर क्या हो जाएगा 96, ठीक, ये भी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन है वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती हैं? वृत्त के अंदर हमें दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, इससे आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो एक पॉइंट को टच करता हुआ जाए। अब वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा कोई खींच ही नहीं सकते, हम खींच सकते हैं क्या? वो तो कटान बिंदु 2 दे देगा यहाँ पर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, एक भी नहीं खींच सकते हम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए बी सी और डी एफ त्रिभुज में ये चीज़ आपस में इक्वल है और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब ए बी सी एंड डी एफ, then they will be similar when, similar कब होंगे हमें ये बताना है, ठीक। तो ए बी और डी आपस में बराबर हैं, दो भुजाओं का रेशियो बराबर दे रखा है, ठीक है, तो कौन सा चीज़ बराबर होगा ये हमें बताना है कि कौन से दो एंगल आपस में बराबर होंगे। तो देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आपके पास ए बी सी है और इधर आपका डी ई एफ है, ए बी सी इधर लिख दो डी ई एफ, ठीक है, आपको क्या दे रखा है ए बी और डी आपस में इक्वल हैं, मतलब रेशियो किसके इक्वल है, बी सी और ई एफ के इक्वल है, तो कौन सा एंगल आपस में इक्वल होगा, बी और ई आपस में इक्वल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है और ए बी स्क्वायर इन ए राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल हमें दे रखा, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? समद्विबाहु त्रिभुज है, सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है, आपको पता है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका मतलब है सी कोण है यहाँ, तो फिर आप लिख दो बी, यहाँ लिख दो ए, ए बी सी है, तो बी सी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। तो आपको पता है ए बी स्क्वायर जो होता है वो होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सो ये चीज़ इसके बराबर है, तो या तो 2BC² होगा या फिर 2AC² होगा आंसर, ठीक है, तो 2 जहाँ लगा रखे वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी बाह्य बिंदु पी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं पी ए तथा पी बीच का कोण 80 है, तो पी ए ओ क्या होगा? देखो हमारे पास एक वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु पी ले लिया हमने जिसका केंद्र हमारे पास क्या ओ है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं पी ओ एंगल क्या होगा, पी ओ ई क्या होगा, ठीक है, ये बोला है। सो देखो यहाँ पर 10.1 थ्योरम से 90 बनता है, यहाँ पर भी 90 बनता है, और ये कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 80 दे रखा है टोटल, ठीक है, 80 दे रखा है, और हमसे ये वाला एंगल पूछा है,
तो 80 ये अगर बीचों बीच से ये जा रहा है, अगर बीचों बीच से ये जा रहा है तो यहाँ पर कितना होगा 40, यहाँ है 90, और त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो अगर ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 180 में से 90 प्लस 40 को जोड़ के क्या करना, घटा देना है। 90 40 130, 180 में से 130 घटाओ तो कितना आएगा 50। सो आंसर क्या हो जाएगा 50, आराम से हो गया। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी की किस एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार हैं कि डी पैरेलल है बी सी के, समांतर है, और ए डी और डी बी तीन अनुपात एक हैं। यदि ए 6.6 है तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और इस पर है डी ई, ठीक है। अब मैं बोल रहा है ए डी और डी बी तीन अनुपात में, ए डी और डी बी तीन अनुपात बी में है, ठीक है। और ए ई का जो मान है, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 6.6, तो बताओ ए सी का मान क्या होगा। तो देखो ये आपस में सेम अनुपात में रहते हैं, सेम अनुपात में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। सो अगर ये तीन अनुपात एक में है, क्योंकि ये और ये आपस में समांतर बोल रखा है, तो ये और ये भी उसी अनुपात में रहेंगे, ए ई और ई सी, ए ई और ई सी कितने अनुपात होंगे, तीन अनुपात एक में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और ए ई का मान कितना दे रखा है, ए ई का मान कितना दे रखा है 6.6, और आपको क्या निकालना है, ए सी का मान निकालना है। लेकिन जब तक ए सी नहीं निकलेगा तब तक ए सी कहाँ से आएगा, 3.1। अब आपको क्या करना है, 3 एकम 3, यहाँ 0.2, 2.2 आ जाएगा ए सी का मान। ए सी का मान कितना आ गया 2.2। अब 2.2 और 6.6 को जोड़ दो, सो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 8.8, ठीक है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर 8.8, क्योंकि ए सी बोला था, ए सी तो इधर होगा ना, इधर आपका इसको और इसको जोड़ोगे तभी ए सी आएगा ना, इस ट्रायंगल में इसको और इसको जोड़ोगे तो 3 6.6 में 2.2 जोड़ दो, 8.8 आ जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहे समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद है, 10वां पद क्या होगा। देखो ए बराबर क्या है हमारे पास 8, डी बराबर है 2, क्योंकि दो दो का अंतर है। 10वां पद बोला है, 10वां का मतलब है ए प्लस 9 डी, ए है 8, डी है 2, 9 दुनी 18, 18 और 8 26। सो आंसर क्या हो जाएगा 26। कह रहे हैं कि यदि इसका मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। देखो पी एक्स बराबर क्या हो देगा 0, यानी कि एक्स की जगह पे 2 रखने पे 0 दे रहा है, मूल है उसका। सो यानी कि जब एक्स की जगह पे 2 रखोगे, 2 का वर्ग प्लस 2 की 2, एक्स की जगह पे 2 रख रहे हैं, प्लस 4 किसके इक्वल होगा 0, तो यहाँ से 4 प्लस 4 के प्लस 4, 4 और 4 क्या हो गया 8, तो 4 के किसके इक्वल आ रहे हैं, 4 के प्लस 8 हमारा है 0 के इक्वल, तो 4 के आ जाएगा -k 8, 4 दुनिया 8, k का मान क्या आ जाएगा -k 2। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26, कौन सा पद शून्य है ये बोल रहा है 26 में। सो ए एन 0 मानने के में एन निकालना है, तो ठीक है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो डी कितना है, देखो 21 के बाद 18 है, यानी कि -3 है, डी घट रहा है, ठीक है। तो ए एन हमारे पास 0 दे रखा है, ए हमारे पास 21 दे रखा है, एन हमें निकालना है और डी हमें दे रखा है -3, ठीक है। ये 21 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा -k, और इधर क्या है n -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, ये आ गया n का मान क्या जाएगा 8, तो 8वां पद 0 होगा, 8th टर्म, ठीक ये भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं कि 2x² + 5x - 12 में मूल निम्न में से कौन है, कौन सा इसका मूल है। मतलब मूल का मतलब ये होगा कि ज़ीरो रखने पे क्या ज़ीरो बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक रखने पे बनेगा, नहीं बन रहा है। फिर देखो दो रखे पे बन रहा है क्या, माइनस का दो रखने पर, दो रखने पे भी नहीं बन रहा है, ठीक है नहीं बन रहा है। तो अब चार रख के देखो, 4 × 16 × 32, हाँ बन जा रहा है, चार रखने पे बन रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चार। मतलब एक्स की जगह पे वो मान रखना है जो इसको हल करने पे ज़ीरो देता हूँ, वही इसका मूल होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। कह रहे हैं अगर इसके 28वें क्वेश्चन में कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फ़ा प्लस बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, यह शून्य का योगफल यानी कि माइनस के बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है देखो, माइनस के 2, ए कितना है 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 2/1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो साइन 90 - a एक फार्मूला होता है, किसका, साइन का होता है कॉस। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेक ए किसके बराबर होता है, 1/cos ए, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक, पहला आंसर सही। 31वां प्रॉब्लम, कॉसेक 44 और सेक 44, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बता रखा है, कितना आंसर आता है 1, ट्रिक बट्टे वाले में, जब दोनों एंगलों को जोड़ने पर कितना आता है 90, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 32वें क्वेश्चन में बोला 2 cos² 60 का मान क्या होगा, 2 cos 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का होता है, यानी कि 1/2 का वर्ग, यानी कि 2 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, 2 × 4 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 1/2 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin²20 sin²70। देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, सेम है ना, ये ट्रिक करना है, और इन दोनों को जोड़ने पर 90 हैं, सो इसका आंसर 1 होगा, ये ट्रिक है। दोनों सेम होने चाहिए और एंगलों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो इसका आंसर 1 होता है। और ये एक तो रूल है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसी प्रकार सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, याद रखना हमेशा। ठीक है, फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। 35वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और AB 12 है और BC 5 है। देखो B कोण समकोण बोला, AB 12 बोला, A यहाँ है, B यहाँ, C है, AB 12, ये 12 है, BC 5 है, तो आपको AC निकालना है, यानी कि क्या होगा, ये 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, यानी कि ये आ जाएगा 144 + 25, यानी कि 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13। अगला क्वेश्चन है 36, कह रहे हैं 5 sin cos a है, तो cot a का मान क्या होगा। देखो बहुत ही आसान है, तो 5 है इधर, sin ये cos इधर गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, और इधर क्या है देखो 8 बचा, तो sin 8/cos क्या होता है, इधर ये गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कुल मिलाकर, sin/cos 10, 10 आ जाएगा 8/5, और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि 5/8 होगा कॉट ए का मान, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो 5/8, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान क्या होता है, जो 10 30 का होता है, यानी कि 1/√3, सही हो जाएगा आराम से। कह रहे हैं जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो और एक खंभा जिसकी 6 मीटर ऊंचाई हो, उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। ये खंभा है, ये उसकी छाया है, ठीक है, खंभे की ऊंचाई 6 दे रखा है और कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और हमें ये निकालना है छाया की लंबाई, माना ये लंबाई x है, जो निकालना है और जो पता होता है उसके भी संबंध लगाते हैं। तो ये लंब है, लंबट्टा ये क्या है, आधार, लंबट्टा आधार क्या होता है, 10 थीटा, तो 10 60 बराबर हो जाएगा 6/x, 10 60 का मान होता है √3,
छः बट्टा एक्स इधर आ जाएगा, एक्स गुणे में अंडर रूट तीन बट्टे में आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा छः बट्टा अंडर रूट तीन। अंडर रूट तीन नीचे नहीं छोड़ते, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा छः रूट तीन, नीचे आ जाएगा तीन, तीन दो नीचे, सो आंसर आ जाएगा दो अंडर रूट तीन। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। देखो अर्धवृत्त है ये, इसका परिमाप कितना दे रखा है हमें 36, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर, माना इसकी त्रिज्या आर है, तो पाई आर हमें दे रखा है 36, ठीक है, पाई आर हमें 36 दे रखा है, सो हमें आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा 36 बट्टा पाई, ठीक है, तो पाई के फॉर्म में तो नहीं है आंसर, तो अब सॉल्व करो, 36 बट्टा पाई है, पाई का मान 22 बट्टा 7, ऊपर हो जाएगा 7, ठीक है, सो ये चीज़ है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 है तो इसका व्यास क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 154, पाई का मतलब होता है 22 बट्टा 7 आर स्क्वायर 154, ये घोड़े में आएगा बट्टे में आएगा, ठीक है, तो काटो देखो 11 दूनी 22, 11 कम 11 11 चक्को 44, 270, तो ये 779 हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा 49, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, आर की वैल्यू आ जाएगी 7, तो हमें व्यास निकालना है, व्यास मतलब 2 आर, यानी कि 7 दूनी 14, सो आंसर क्या हो जाएगा 14, ऑप्शन ई, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बोला, बेलन का वक्र फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे 2π का मान 22 बट्टा 7 और r का मान क्या दे रखा है, व्यास 28 है यानी कि त्रिज्या 14, ऊंचाई क्या दे रखा है 20, 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 गुणा 44, इसको कर देना आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², 3π का मान 22 बट्टे 7 और r कितना बोला है 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दो 22 गुणा 3 गुणा 7, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है मतलब r1 बट्टा r2 कितना दे रखा है 2 बट्टा 3, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल पहले वाले का क्या हो जाएगा पाई r1² बट्टे πr2², पाई से पाई कटा, इसको हम लिख सकते हैं r1 बट्टे r2 का टोटल का स्क्वायर, और r1 बट्टे r2 कितना दे रखा था क्वेश्चन में 2 बट्टा 3, स्क्वायर कर देंगे तो 4:9, 4:9 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा है और त्रिज्या आर है तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी? तो फॉर्मूला आपको पता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360, चाप के लिए 2πr, तो कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा? ये पहला वाला, तो ये भी हो जाएगा हमारा आराम से, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो ट्रू हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका कौन है? माध्यिका निकालने के लिए सबसे देखो बीच वाला डम होता है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, और बीचों बीच का जो टर्म क्या है 4 है, सो आंसर बी नंबर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कह रहे निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, सो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। कह रहे वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है?
इनके 20 का जोड़ो हाफ कर दो, सही 10 है। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। फिर कहते किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जाता है। आयत चित्र, बारंबारता, तोरण। सो आपको पता होगा किस विधि से करते हैं, ओगिफ से, तोरण से। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा 49। फिर क्वेश्चन नंबर 49 में बोला एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता है। एक बार फेंचोगे तो 5 से में आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। और 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो संभव परिणाम एक और कुल परिणाम 6 है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। अगला क्वेश्चन है 50। कह रहे अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या है। आपको पता है ताश जब आप खेलते हो तो लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं, काले 26 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं, 52। तो 26 लाल हैं और टोटल कितने, 52 हैं। 26 से कम 26, 26 दूनी 52। ठीक, तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो। एक अच्छी तरह फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता कितनी होगी। लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता, लाल रंग की रानी कितनी है, देखो 26 तो लाल के पत्ते हैं, उसमें से 2 कैटेगरी होती हैं, हर एक कैटेगरी में एक एक रानी बैठा है लाल का, तो कितने हैं हमारे पास, 2। तो संभव परिणाम हमारे पास 2 हैं और कुल परिणाम कितने हैं, 52। 2 × 1 = 2 = 26, तो 1/26 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके सामने जिसको हमने सॉल्व करते हुए आंसर बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे सेकंड चैनल की मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी प्यार दें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।